अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला ने आज अपने मंत्रालय के 2 साल की उपलब्धियों को देश के सामने रखा। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मीडिया को अवगत कराया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की 2 साल की उपलब्धियों को बताते हुए केंद्रीय मंत्री नजमा हेप्तुल्ला ने मंत्रालय की नई मंजिल योजना को सबसे महत्वपूर्ण बताया, जिसके तहत स्कूल छोड़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ नौजवानों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना को विश्व बैंक का सहयोग भी मिला है। हमारी नई मंजिल के प्रोग्राम में हमने मदरसों के अंदर उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके उन्हीं के इलाके में और एरिया के हिसाब से कि जिस जगह वो रहते हैं, चाहे कश्मीर में होंगे तो उस तरह की स्किल, अगर आसाम या बिहार में होंगे तो उस तरह की स्किल उनको देने का फैसला किया और उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरुआत मैंने पटना से करी थी। वर्ल्ड बैंक ने हमारे जब इस प्रोग्राम को देखा तो उन्हें ये बहुत पसंद आया और उन्होंने $50 मिलियन का लोन इसके लिए हमको दिया। केंद्र सरकार का सबसे अधिक ध्यान अल्पसंख्यकों की, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा पर है, जिसमें तमाम सुविधाओं के साथ वित्तीय मदद भी मुहैया कराई जाती है। इस वर्ग की लगभग 46% महिलाओं को विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं से जोड़ा गया है। हमारा मंत्रालय प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप देता है और भी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, कोचिंग वगैरह की। 46% महिलाएं हमारे हर स्कीम में, खासतौर पर स्कॉलरशिप की स्कीम में कवर की जाती हैं। और स्पेशल हमारा फोकस है, लड़कियों का फेलोशिप देते हैं हम 11वीं और 12वीं के लिए। मंत्रालय का ध्यान अल्पसंख्यकों को विकास के आधुनिक पथ पर ले जाने के साथ साथ इस वर्ग के पुश्तैनी पेशे के संरक्षण पर भी है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसे कामगारों को बाजार मुहैया कराने का काम भी किया जा रहा है। ने उस्ताद का प्रोग्राम शुरू किया, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया, उसका मॉडर्नाइजेशन किया और शॉप क्लू के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के चौतरफा विकास के लिए उन्हें विभिन्न केंद्र समर्थित योजनाओं जैसे जनधन योजना, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि से भी जोड़ा जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का दावा है कि पिछले 2 साल में शिक्षा से लेकर कौशल विकास और उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अल्पसंख्यकों में मोदी सरकार का विश्वास न केवल कायम करना बल्कि उसे और पुख्ता करना। सरकार आपके द्वार के नारे के साथ सबका साथ सबका विकास में विश्वास की एक नई अलग जगाना। कैमरामैन विनय के साथ रमा त्यागी, DD News, दिल्ली।